बस पैकअप के बाद फैमिली टाइम होगा मेरा सेलिब्रेट. मेरी फैमिली यहाँ आ रही है देहरादून से, माय फादर, माय सिस्टर, माय ब्रदर्स. सो हम पूरी फैमिली न्यू ईयर को साथ में होंगे. सो इट बी फन. हम लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं. श्योर हम लोग डिनर विनर पे जाएंगे एंड हमारा फैमिली पार्टी होगा. आई थिंक लाइफ इज गुड. अभी न्यू ईयर आने वाला है, उसके लिए क्या प्लान है? फिलहाल तो आप देख रहे हैं कि मैं जिस तरह से काम कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कुछ करने वाली हूँ. बट क्लियरली आई थिंक आई विल गो आउट विद माय फ्रेंड्स फॉर अ बिट एंड एंजॉय द वीकेंड. न्यू ईयर का प्लान तो बेसिकली आई थिंक हम शूट कर रहे हैं कुछ, आई थिंक 31st को हम शूट कर रहे हैं. उसके बाद में जाएंगे कि पार्टी वार्टी करेंगे, कुछ मस्ती करेंगे एंड नए साल को वेलकम करेंगे. मेरा न्यू ईयर हमेशा अनप्लान्ड है. मैं प्लान नहीं करती, मतलब आई जस्ट गो विद द फ्लो. मेरे कुछ दिन जो है एक्युमुलेटेड थे, उसमें से मैंने कुछ निकाले हैं एंड आई एम बेसिकली हेडिंग आउट विद अ बिग गैंग ऑफ माय फ्रेंड्स टू प्रॉब्ली समवेयर इन हिमाचल प्रदेश, व्हिच आई एम नॉट श्योर. सो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं शायद हिमाचल में जाऊँगा. आई थिंक इट्स बीन लॉन्ग ड्यू, सो आई थिंक आई नीड अ हॉलीडे. सो मैं दो तीन दिन के लिए तो आई थिंक मैंने फ़ोन ऑफ करके सब मैं गायब होने वाला हूँ. आई थिंक हम बहुत 31st नाइट को हम बहुत रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हम फर्स्ट को ये फॉलो करेंगे और पूरे साल फॉलो करेंगे. ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ. होता भी है तो मुश्किल से दो तीन दिन के लिए होता है. मेरा रेजोल्यूशन था लास्ट ईयर कि मैं 2016 में पूरे साल जो है मैं वर्कआउट करूँगा, जिम जाऊँगा. मैं एक दिन भी नहीं गया पिछले 12 महीनों में. I don't really have any plans क्योंकि मतलब obviously हम shoot शायद एक दिन off मिले तो I will be sleeping to be frank. But yes, I will have a get together at my house with my close friends and my family. I love spending time with them. बहुत ज़्यादा travel कीजिए, जैसे कि हम you know the same team does Desi Explorers also. So हम आपको बताते हैं कि आप कौन कौन सी जगह explore कर सकते हैं. So just stay tuned to Marinating Films. आपको पता लगता रहेगा कि आप 2017 में कहाँ कहाँ जा सकते. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ न्यू ईयर के लिए. और लोग बोलते हैं कि न्यू ईयर के लिए आपके लिए आपको ये एजेंडा चाहिए, आपको ये फॉलो करना चाहिए, करना चाहिए और सब कुछ नया होना चाहिए. मेरे लिए अभी नक्श नया है तो मेरे लिए यही काफ़ी है. न्यू ईयर के लिए मुझे गिफ्ट मिल गया है 2017 का. मैं सबको लक लव विश करना चाहूँगी एंड थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर सपोर्टिंग अस. प्लीज़ प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग अस एंड वी लव यू. We love you and thank you for loving us so much. आपने हमें बहुत प्यार दिया है एंड प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहिए. रिसेंटली मुझे पता चला था कि एक टी वी पर्सनैलिटी 2016 में आई हैव बिकम अ फाइनलिस्ट. थैंक यू सो मच एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द फैंस एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग आर्यन एंड साची. Hi guys, happy new year and have a great year. Happy new year all of you. फैंस को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना प्यार दिया एंड इतना सपोर्ट किया एंड आई वुड लव कि आप मुझे 2017 में भी इतना ही सपोर्ट करें और मुझे हमेशा देखते रहें टीवी पे, मुझे हमेशा अप्रिशिएट करते रहें. आपका प्यार और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है मेरे लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू गाइज. सेलिब्रेट योर न्यू ईयर विद योर लव्ड वंस एंड योर फैमिली. इन्जॉय खूब सारा और आप लोगों को भी ये गिफ्ट देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा. और या और जितने भी लोग टेली मसाला को देख रहे हैं उन सबको कहना चाहूँगा कि विश यू गाइस ऑल द लक. आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. ये नया साल आपके लिए एकदम सुपर ऑसम वाला हो और यूं ही प्यार देते रहिए ये रिश्ता का. अब बस इनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो भी करना है करें. बस चिल करें, टेक केयर.